नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां नई दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में विस्फोट हुआ है। जी हां, धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में विस्फोट हो गया है। धमाके में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हालांकि विस्फोट किस कारण से हुआ उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। नई दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में विस्फोट हुआ है, जहां धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, मिर्जापुर में दलित की हत्या, माया ने इस बात पे निंदा की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या और कई लोग घायल, यूपी सरकार पीड़ित परिवार की मदद करे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने मिर्जापुर में दलित की जो हत्या हुई है उसको लेकर पोस्ट किया है। मायावती ने इस पे निंदा जताते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या और कई लोग इसमें घायल हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर पीड़ित परिवार की मदद करने का भी अपील की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बस्ती की कर लेते हैं। बस्ती से बड़ी खबर, जहां लेखपाल का घूस लेने का वीडियो वायरल हो गया है। होटल में बैठकर घूस का पैसा लेते लेखपाल दिख रहा है। व्यक्ति से पैसे की लेखपाल राधे श्याम रिश्वत ले रहा है। इस दौरान काम के एवज में 5,000 की डिमांड लेखपाल ने की थी। कुदराहा ब्लॉक क्षेत्र में लेखपाल राधे श्याम की तैनाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बस्ती से बता दे, जहां लेखपाल का काम करने की एवज में घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। कुछ प्रधानो जी वाली कह दी हल्जा बाकी आप प्रधान जी वाली करो ना अपने बीच में लेके दे दी। तो 3 काट रहे हैं हम, 3.5 भैया देखो संबंध अलग चीज है, पैसा तो हमेशा हम काम देखेंगे। जब 3,000 के अरे सार के दुकान है हम लोग, ऐसा पैसा बतिया तो कोई काम करती है, और ऐसा आवाज नहीं जाओ।
तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता बबुंदर यादव का। बबुंदर, क्या कुछ ये पूरा मामला है? एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लेखपाल 5000 की रिश्वत लेता साफ दिख रहा है। जी, यहाँ लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं लगातार घूस लेने की जो बात आती है कि बिना घूस लिए कोई काम करते ही नहीं है जनता का। एक तरफ सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कहती है मतलब घूस और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी इस तरीके से घूस खोर भी बढ़ा चुके हैं और बिना काम मतलब काम अगर कोई भी काम कराना हो तो ये इनका डिमांड रहता है कि मतलब मैं इतना रुपया लूंगा। अब बताए इसी में जो है 5000 रुपए डिमांड किए थे, जहां पर पीड़ित जो जिसका कार्य था वो कैसे अपना जो है 35 रुपए देने के लिए तैयार हो रहा था। ये होटल में बैठकर ये डील बाजी कर रहे हैं इस तरीके से लेखपाल हैं, क्योंकि राजस्व विभाग के एक कर्मचारी हैं, इस तरीके से जनता के लिए इनको बनाया गया कि जनता की सेवा करें, लेकिन इनकी जब तक डिमांड पूरी नहीं होती तब तक उनका काम नहीं होता है। बिल्कुल बबुंदर, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? प्रशासन अगर एक्शन लेता तो आज इस तरीके से खुलेआम घूसखोरी नहीं चलती। यही नहीं, पूरे तहसील में लगातार इसकी शिकायत लोग करते हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से आंख बंद करके जो है और इनकी खुलेआम छोड़ दे रखा है। लगातार इसकी शिकायत होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पब्लिक डेली आती है लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है। ऐसे जब तक पैसा उसका नहीं पा जाते हैं तब तक कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या बबुंदर, जो पीड़ित है उसने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है? क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए। पीड़ित ने कहा है कि मतलब जो है अब इसकी शिकायत में उच्च अधिकारियों से करेंगे, इस तरीके से कि ये लगातार हम एक काम के लिए जो है डिमांड करते हैं, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो उसका काम नहीं करते हैं, जिससे वो सालों साल जो है झेलता रह जाता है। नहीं, लेकिन जिस तरह से बबुंदर ये वीडियो वायरल हो रहा है, किसी आला अधिकारी ने अब तक इस वीडियो का संज्ञान लिया? अभी तक कोई किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि अभी तक ले लेना चाहिए, लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही है बस्ती जिले में, राजस्व विभाग में और लापरवाही चल रहा है। बबुंदर, किस जगह तैनात है ये जो लेखपाल जिसका वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो सामने आ रहा है? क्या इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो इनके सामने आ चुके हैं? जी, ये लेखपाल राधेश्याम है, राधेश्याम इनका नाम है। ये सदर तहसील के कुदराहा क्षेत्र में है, जहाँ पर एक कुदराहा ब्लॉक क्षेत्र है और ये सदर तहसील में आता है। वहाँ एक होटल में बैठ करके 5000 घूस लेने का डिमांड कर रहे थे, लेकिन पीड़ित ने 3500 रुपया देने की बात कह रहा था, मतलब 3500, लेकिन उसके काम को तब भी जो है अनदेखा कर रहे थे कि मतलब, लेकिन वो पीड़ित देने की हैसियत में नहीं था कि इनकी डिमांड को पूरा कर सके। अब ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो, या जैसा हमने इससे पहले भी आपसे पूछा, किसी आला अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया हो, अगर ऐसी वीडियो वो भी उत्तर प्रदेश से सामने आती है तो अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान उठते हैं। जी, इसके पहले भी एंटी करप्शन की टीम जो है एक कानूनगो को भी गिरफ्तार कर चुकी थी चाय की दुकान से, लेकिन किसी विभाग के राजस्व विभाग के, लेकिन अब देखा जाए खुलेआम देखिए जिस तरीके से लेखपाल को कोई डर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है और खुलेआम घूस लेते हैं। ये सरकार जहां एक तरफ घूस बंद करने की बात करती है, माफियाओं को हटाने की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके अधिकारी खुलेआम जनता को। यही वजह कि कई तरह के सवाल अब प्रशासन पर उठ रहे हैं, हालांकि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये देखना अहम होगा। बबुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, बीज भंडार के नाम पर नकली खाद बनाने का कारोबार सामने आया है। आपको बता दें जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी की है, कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया गया है। वहीं गोदाम से 466 बोरी नकली खाद बरामद किया गया है। डीएपी एपीके यूरिया नाम से बेची जा रही थी ये खाद, टीम को देखकर दुकानदार सहित कई लोग भी फरार हो गए हैं। संडिला कोतवाली क्षेत्र के टिकरा दाऊदपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें कि गोदाम से 666 बोरी नकली खाद बरामद किए गए हैं। तो हरदोई से ये बड़ी खबर, जहां बीज भंडार के नाम पर नकली खाद बनाने का कारोबार सामने आया है, जहां जिला कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे और छापेमारी की कार्रवाई करते हुए दुकान को भी सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोदाम से 466 बोरी नकली खाद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही डीएपी एपीके यूरिया नाम से ये जो खाद है वो बेची जा रही थी। आपको बता दें कि टीम को देखकर दुकानदार सहित कई लोग फरार हो गए। ये पूरा जो मामला है वो कोतवाली क्षेत्र के टिकरा दाऊदपुर गांव का बताया जा रहा है। तो बीज भंडार के नाम पर नकली खाद बनाने का कारोबार था, जिसको लेकर
जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी की है। छापेमारी करने के बाद दुकान को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारी ने गोदाम से 666 बोरी नकली खाद भी बरामद की है। आपको बता दें कि ये सारे जो बीज हैं वो डीएपी, एपीके और यूरिया नाम से बेचे जा रहे थे। वहीं टीम को देखकर जो दुकानदार थे उसके सहित कई लोग भी फरार हो गए हैं। तो जिला कृषि अधिकारी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, बीज के नाम पर नकली खाद बेचे जा रहे थे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? बीज भंडार के नाम पर लगातार नकली खाद बेचे जा रहे थे, वहीं जिला अधिकारी जो कृषि हैं वो वहां पर पहुंचे और छापेमारी की, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, लगातार इस बीज भंडार की शिकायतें मिल रही थी और वहाँ पे जब शिकायत पे सतीश पाठक जो कृषि अधिकारी है, जब वो मौके पर पहुंचे तो वहाँ से जो संचालक था वो वहाँ से मौके से फरार हो गया। हालांकि जो बोरियां मिली है उनमें जो खाद जो मिली है वो डीएपी यूरिया जो है वो मिलावटी खाद है। हालांकि आपको बता दें, वो इसीलिए शिकायतें मिल रही थी कि कहां से ये बनवाई जा रही थी, क्योंकि जो खेत में डाली जा रही थी उससे जो फसल है फसल खराब हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने उसकी शिकायत की तब वहां पे प्रशासन जागा और वहां पे छापेमारी की। हालांकि जो संचालक है वो मौके से फरार हो गए, जो कर्मचारी थे वो भी वहां से फरार हो गए, जो कृषि अधिकारी है उन्होंने सारी बोरियां सीज कर ली है, उसके बाद में उस दुकान पे ताला लगा दिया गया है। हालांकि लगातार जो इसकी शिकायतें मिल रही थी इस पर प्रशासन अभी तक सुध नहीं लिया, लेकिन जब कई लोगों की जो खेतियों की बर्बादी हुई है, फसल नुकसान हुआ है, उसके बाद जब प्रशासन जागा, ये बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर भी उठ रहा है। बिल्कुल आनंद, ये पूरा जो खाद बीज वाली जो घटना है ये कहाँ की है और प्रशासन अभी तक चुप क्यों था इस पे? देखिए, संडीला के जो का मामला है जहाँ पे ये दुकान स्थापित थी वहाँ पे ये लगातार वहाँ पे कई वर्षों से दुकान चल रही थी, लेकिन अभी तक जो कृषि अधिकारी है सतीश पाठक, इन्होंने बताया है कि ये खाद डुप्लीकेट है, लेकिन आखिरकार उसकी ये जांच कर रहे हैं ये खाद बनी कैसे और कहाँ से ये इनके पास अवेलेबल हुई है इसका वो पता भी कर रही है। हालांकि पुलिस वहाँ मौके पर भी बुला ली थी कृषि अधिकारी ने, पुलिस के समक्ष दुकान को सीज कर दिया गया, लेकिन आपको बता दें इसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। अभी आपको बताते हैं वहाँ की जो एसडीएम है अरुणिमा श्रीवास्तव, जो जिनका अभी कुछ दिन पहले ही ऑडियो भी वायरल हुआ था, ये वही एसडीएम है, इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, लेकिन इनके पास उससे पहले कई शिकायतें गई लेकिन इन्होंने सुध नहीं लिया। तो बहुत बड़ा प्रशासन पे सवाल उठ रहा है, ये विवादित कई शिकायतें मिली थी लेकिन एक्शन सही वक्त पर लिया नहीं गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ा कारनामा एक तरह से देखने को मिला। क्या माना जाए अब, क्या एसडीएम के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई? देखिए, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था उसमें एसडीएम साफ तौर पर नकार गई थी, कहने लगी कि हमारा ऑडियो नहीं है, एडिट किया हुआ ऑडियो है। अब जिस तरीके से उन्होंने जिस फाइल का जिक्र भी किया था उस ऑडियो में कि तो वो फाइल उन्हीं के हस्ताक्षर थे, जब वो तहसीलदार थी उन्हीं के हस्ताक्षर थे। उसके बाद उन्होंने मुन्ना बाबू को कहा, मुन्ना बाबू ये क्या कर दिया आपने, 10-20-50 हजार जो भी लगे तो वो लगा के वो कागज हटाइए मेरे हस्ताक्षर। तो कहीं ना कहीं एसडीएम जब उसमें बच गई है तो जाहिर सी बात है इसमें भी बच जाएगी। आनंद, जांच किसी तरह की बैठाई अधिकारियों या एसडीएम के खिलाफ? देखिए, अभी तक देखिए प्रदेश सरकार में लगातार योगी जी आदेश दे रहे हैं, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हरदोई में कोई कार्रवाई के नाम पे सुन नजर आ रहा है, योगी जी का कोई आदेश नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक इसमें एसडीएम ने कहे, डीएम साहब ने कहा था कि इसमें आदेश करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन डीएम साहब भी अभी तक कार्रवाई के नाम पे सुन नजर आ रहा है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि इस वाले मामले में खाली दुकान सीजिंग की कार्रवाई की गई है, वो खाद की बोरिया चीज की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, ना ही वो व्यक्ति पकड़ा गया है, ना ही कोई अभी वो हुई है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, सवाल उठा है। बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आज जो आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की, दो सीटों पर
संजय निषाद अड़े हुए हैं। तो एक बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस दौरान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संजय निषाद ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, उनके साथ बैठक भी की थी और माना यही जा रहा है कि दो सीटों को लेकर संजय निषाद अड़े हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन 9 सीटों पर पूरी तरह से दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। हालांकि एक सीट आरएलजी को देने पर सहमति बनी है, मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने आरएलजी को दी है। वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी की थी, उनके साथ बैठक भी की और माना यही जा रहा है कि दो सीटों को लेकर संजय निषाद पूरी तरह से अड़े हुए हैं। तो चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। यूपी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, उनके प्रत्याशियों का नामांकन भी देखने को मिला। हालांकि बीजेपी की लिस्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं रमन मिश्रा के पास। रमन, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्या कुछ संभावनाएं इसको लेकर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल रिया, 25 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 22 अक्टूबर रात को माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आरएलडी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन एन वक्त पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली में डेरा डालकर पहला जो सूची आनी थी उसमें विघन एक हिसाब से डाल दिया। माना जा रहा था कि संजय निषाद को भाजपा इस बार कोई सीट नहीं देना चाहते थे, लेकिन संजय निषाद ने दिल्ली में अमित शाह से मिलकर और जेपी नड्डा से मिलकर दो सीटों पर हर हाल में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने की मांग रखी है और दो सीटों से नीचे वो मान नहीं रहे हैं। इसके कारण से कल सूची नहीं आई। माना जा रहा है कि आज हर हाल में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। संजय निषाद को मनाने के लिए ही कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया और साथ ही सूची न आने का एक कारण और भी बताया जा रहा है, सपा और कांग्रेस में जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था कि कांग्रेस दो सीटों पर लड़ेगी या वो भी समाजवादी पार्टी को देगी। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक और सीट यानी फूलपुर सीट जहां से उन्होंने प्रत्याशी जी मुस्तफा सिद्दीकी को उतार दिया था, वो सीट भी कांग्रेस को देने पर राजी हो गई है और कांग्रेस अगर फूलपुर सीट पाने पर सहमति बनाती है तो जल्द ही उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। माना ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि फूलपुर में मुस्लिम प्रत्याशी होने के चलते भारतीय जनता पार्टी ने पिछले प्रत्याशी पर दांव लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन जब ये सीट कांग्रेस और सपा में अभी तकरार हो गई उसके बाद में अभी सब भाजपा ने इस सीट पर अपने प्लान को होल्ड कर लिया है। अब जिस तरीके से अगर कांग्रेस इस सीट पर प्रत्याशी जिस बिरादरी के प्रत्याशी को उतारेगी उस हिसाब से रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन इस सपा कांग्रेस के गणित में और निषाद पार्टी और भाजपा के गणित में कहीं ना कहीं भाजपा की जो सूची है उसमें देरी हो रही है। अब सिर्फ आज के बाद सिर्फ 2 दिन बचे हैं नामांकन को, क्योंकि रमन 25 अक्टूबर जो है नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में जैसा आपने भी कहा सिर्फ महज 2 दिन का समय और रह गया है, क्या माना जाए आज पूरी संभावना बीजेपी की लिस्ट सामने आने की? और जिस तरह से निषाद जो है संजय निषाद वो अड़े हुए हैं 2 सीटों की डिमांड पर और बीजेपी हालांकि पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रत्याशी तो हमारे ही उतरेंगे, चाहे प्रत्याशी आपके हो लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो क्या ऐसी भी संभावना है तराशने की यहाँ पर कोशिश? बिल्कुल, संजय निषाद इससे पहले पार्टी इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में मझवा और कटहरी सीट पर चुनाव लड़ी थी। कटहरी में उनकी पार्टी के प्रत्याशी को हार मिली थी, मझवा में जीत मिली थी और अब दोनों सीटें खाली हैं, एक पर उनका प्रत्याशी विधायक सांसद बना, एक पर लालजी वर्मा सांसद बने। संजय निषाद शुरू से ही कह रहे हैं कि भाजपा हमें 2 सीटें देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो खबरें आ रही थी उसमें माना जा रहा था कि निषाद पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अब
जब अंतिम दौर चल रहा है तो संजय निषाद ने एकदम से वहां पर डेरा डाल दिया है। हालांकि संजय निषाद ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी नेता ने बयान दिया है कि निषाद को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन संजय निषाद कई खबरों को अपने फेसबुक पर वायरल करके अपने पार्टी के ग्रुप में डालकर ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि संजय निषाद दो सीटों पर अड़े हुए हैं और उससे नीचे वो समझौता नहीं चाहते हैं। बिल्कुल रमन, जिस तरह से आपने कहा, लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, जैसा आपने कहा कि फूलपुर सीट जो है वो कांग्रेस को दे सकती है समाजवादी पार्टी, अगर क्योंकि पहले गाजियाबाद और खैर की बात चल रही थी जिसपे कांग्रेस कुछ मानती हुई नहीं नजर आ रही थी, अगर फूलपुर मिल जाती है तो क्या समीकरण बैठते हुए? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड की थी समाजवादी पार्टी से कि जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी भारी भाजपा जीती वो सीधे कांग्रेस को लड़ने के लिए दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी पर राजी नहीं हुई और उसने खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को देने का ऐलान किया। लेकिन इस बीच में फूलपुर जो सीट थी वो कांग्रेस पुरानी सीट मानी जाती है और कांग्रेस उस पर हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती थी और इसका कारण ये भी है कि उसको दोनों सीटें पश्चिम की मिल रही हैं, ऐसे में पूरक एक सीट चाहिए ही चाहिए थी। हालांकि तीसरी सीट मिलने पर भी कांग्रेस अभी सहमत होगी, चुनाव लड़ेगी या बाहर से ही समर्थन करेगी, कांग्रेस को लेकर भी पूरी तरह से असमंजस है। बिल्कुल संशय बना हुआ है। अभी जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने हरी झंडी दे दी है, अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस लड़ना चाहे फूलपुर तो अपने प्रत्याशी का नाम वो वापस ले लेंगे और कांग्रेस वहां से चुनावी मैदान में उतर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर आगरा से है जहां नकली नशीली दवा फैक्ट्री के भंडाफोड़ का मामला सामने आया है। हिमाचल से नकली दवा बनाने की मशीनरी खरीदी गई थी। आपको बता दें कि हिमाचल बद्दी में मां वैष्णो फार्मा के संचालक एनटीएफ को तलाश कर रही है। वहीं 16 मशीनों में फिटनेसिंग की भी बात की जा रही है। आपको बता दें नामी दवा कंपनियों के टेक्नीशियन एमआर के मिले होने की भी आशंका जताई जा रही है। नामी कंपनियों के एक ही बैच के नंबर की तैयार दवाएं होती हैं। वहीं आपको बता दें कि एंटी एलर्जिक नींद की दवाएं सहित दर्द निवारक दवाओं का भी जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। एएनटीएफ थाना सिकंदरा पुलिस ने कल ज्वाइंट कार्रवाई की थी। करीब 8 करोड़ की मशीनरी नकली नशीली दवाओं की भी जब्त किया गया है। तो ये आगरा से बड़ी खबर। आपको बता दें कि 8 करोड़ की नकली दवा जब्त की गई है। नकली नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा था जिसमें प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। नशीली दवाओं की फैक्ट्री का ये भंडाफोड़ किया गया जिसमें 8 करोड़ की मशीनरी दवाएं जो हैं वो जब्त की गई हैं। इन दवाओं में कई तरह के सरदर्द निवारक दवाएं भी थी। आपको बता दें कि 16 मशीनों में रॉ टेक्नीशियन को भी गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल से ये नकली दवाएं बेची जा रही थी। वहीं हिमाचल बद्दी में वैष्णो फार्मा के संचालक की एएनटीएफ को तलाश कर रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।